बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई है। एग्जैक्टली क्या क्या हुआ भाई, क्या क्या कर दिया है माफिया ने यार, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, आ जाओ एक बार यार। तो कल सुबह की बात है यार भाई, कि अपन ने अपने प्राइवेट जेट जो था ना उसको लैंड करवाया था ड्राइवर के हैंगर पर, उसको अपन बचा के लाए थे भाई माफिया के लोगों से, ठीक है, उसके बॉडीगार्ड से। एंड उसके बाद में रात में जब मैं ड्राइवर के घर पर आया ना, तो मुझे भाई दो चीजें पता लगी है। एक बात तो ये कि ड्राइवर के घर की हालत देखो तुम, मतलब तुम्हें याद है तो भाई ट्रेवर ने भी हाल ही में एक बहुत ही बड़ा घर बनाया था, ठीक है ना, उसके लिए और मार्टिन मद्रासो की वाइफ के लिए, इन दोनों ने मिलकर एक मस्त घर बनाया था भाई। माफिया ने इसे घर तोड़वा दिया है एंड ट्रेवर को किडनैप कर लिया गया है यार। इस चीज को सुनने के बाद है भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, बिकॉज कल रात में जैसे भी मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने ट्रेवर के दोस्त रॉन से पूछा कि भाई ट्रेवर कहाँ पे, इसने बोला है कि इसको नहीं पता यार, ड्राइवर कल रात से आया नहीं है घर पर। इसका मतलब यही है कि ब्रो यार ड्राइवर कल रात से किडनैप हो चुका है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा ब्रो, माफिया ने ये करा क्यों यार, उसने आखिरकार ड्राइवर को किडनैप क्यों कराया। एक तो यार देखो माफिया ने भाई अपना भी पार्टी हाउस बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। दूसरी बात है उसने अपने शोरूम को भी भाई तबाह कर दिया, ठीक है, वहां पे उसने अटैक करवा दिया था एंड अब भाई उसने अपने ड्राइवर को भी किडनैप कर लिया है। मतलब मैं तुमको बोल रहा हूँ ना ब्रो, जब तक बातें अपनी गाड़ियों तक होती है, अपने घर तक, शोरूम तक होती है, फिर भी सहन करा जा सकता है, बट जब दोस्तों में बातें आती है ना भाई, तब बात बनती नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आज मेरा दिमाग खराब पूरी तरह से हो चुका है। तुम देख रहे हो भाई रॉन को भी बहुत गुस्सा आ रहा है, बंदूक लेके खड़ा है यहाँ पे, है ना। तो अभी अपन जाएंगे भाई, आज तो माफिया को ढूंढना है, गया कहीं भी हो चाहे उसको ढूंढ के बाहर निकालना है, ठीक है ना यार। एक तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी है भाई, मैं तुम्हें बता दूं, अपन जब परसों उसको मारने गए थे भाई वो घर पर नहीं था। माइकल जब मारने गया था कल उसको ब्रो, उसके हेडशॉट नहीं लगा यार, वो बच गया वापस से। तुम देख रहे हो मतलब हल्का सा बच गया माइकल के हाथ से भाई, वो भाग गया, ठीक है ना, उसका प्लेन लेकर के। अब अपने को जाना है भाई उस माफिया को ढूंढने आज, बिकॉज जहां तक कि वो एक दो जगह हो सकता है, अनलेस तो मैंने अपने को बुलाया भी है भाई, उसको शायद पता लग गया है माफिया कहाँ पे गया है एंड मैं कहाँ पर आ गया भाई, कौन सी जगह है भाई। तो अभी अपन जा रहे हैं भाई ड्राइवर के हैंगर पर, बिकॉज वहां पे खड़ा है अपना प्राइवेट जेट, है ना। तो जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि भाई जो माफिया फट्टू था वो भाग चुका लॉस सैंटोस छोड़ के, ठीक है ना। तो इसलिए अभी अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है, अपन इजीली जा सकते हैं लॉस सैंटोस की मैन सिटी में। एंड बिकॉज मेरे को आज बिल्कुल भी टाइम नहीं खराब करना है ना, इसलिए अपन जल्दी से जाएंगे भाई प्राइवेट जेट में बैठ करके, लॉस सैंटोस की मैन सिटी पहुंचना है अपने को। ओके तो अपन पहुंच गए हैंगर पर, है ना, एंड यहाँ से निकालते हैं अभी अपना प्राइवेट जेट। तो अभी अपन अपने जेट में बैठते हैं, चलते हैं यहाँ से। चल भाई फ्रैंकलिन, चला भाई चला, आराम से चलाना बिल्कुल, है ना, कहीं से अड़ना नहीं चाहिए। ओके तो अभी अपन रेडी हैं भाई टेक ऑफ करने के लिए यहाँ से, है ना। बहुत बढ़िया प्लेन, कम ऑन यू कैन डू इट यार। एक तो प्राइवेट जेट ना भाई, इनको अच्छा रोड चाहिए होता है टेक ऑफ के लिए, यहाँ से कर लेगा क्या। ओके तो फाइनली अपन ने टेक ऑफ कर लिया यहाँ से भाई, पीरो है अपन यार पायलट भी, ठीक है ना। अपन कहीं से भाई किसी भी जेट को टेक ऑफ करवा सकते हैं, घर की छत ही क्यों ना हो, है ना, तुम जानते ही हो भाई। तो खैर अभी अपन इसे जा रहे हैं एंड ये देखो भाई क्या दिख रहा है अपना प्राइवेट जेट, बहुत सही यार। तो अभी अपने को यहाँ से जाना है लॉस सैंटोस के मैन एयरपोर्ट पर। एंड जिन जिन लोगों को नहीं पता है कि अपन अपने प्राइवेट जेट को लेकर के क्यों आए थे यहाँ पर, तो उसके रीजन ये था यार कि जो माफिया है ना, उसने कल अपने पार्टी हाउस पर अटैक करवाया, अपने शोरूम पर अटैक कराया। तो मेरे को लग रहा था ब्रो कि वो कहीं ना कहीं अपने प्राइवेट जेट को भी फुड़वा सकता है, जो कि उसने कोशिश पूरी करी थी भाई, उसने उसके बंदे भेजे थे अपने जेट को फुड़वाने के लिए, बट अपन सही टाइम पे पहुंच गए। एंड एक बार अपन पहुंच गए तो भाई अपन ने बैंड बजा दी उन लोगों की, है ना। बट देन उसके बाद मैंने एक बात सोची कि ब्रो अपन पूरी रात तो रुक नहीं सकते एयरपोर्ट पे, तो सेफ रहेगा कि अपन इसको ट्रेवर के हैंगर पे लेके आ जाए। बट यार अभी फाइनली ट्रेवर किडनैप हो चुका है, तो भाई समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है यार। लेकिन यार माफिया से ना मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी भाई, इतना बड़ा फट्टू कैसे निकला यार ये, मतलब ब्रो सीधे भाग गए यहाँ से यार। मेरे को तो लगा था भाई इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है, तो बहुत खतरनाक आदमी होगा, लेकिन ना भाई बहुत फट्टू है माफिया, ठीक है ना। ओके तो अपने को लैंड कराना है, अपन पहुंच चुके भाई अपने एयरपोर्ट पर, है ना, यहाँ पर लैंड कराते हैं प्लेन को। ये देखो भाई कितने आसान से अपने लैंड करवा दिया प्लेन को यहाँ पर, है ना। एंड इसको भी एक काम करते हैं, अपन वापस हैंगर में रख के आते हैं ना। तो अपन एक काम करते हैं, अपने इस वाले हैंगर में पार्क कर देते हैं अपने जेट को, बहुत सही। एंड यहाँ पे पहले से किसका खड़ा है भैया, ऐसे कैसे खड़ा कर सकता है कोई, ये तो अपना प्राइवेट हैंगर है यार। तो मैंने अभी जैसे भी पार्क हुआ, ठीक है ना, उसे पार्क कर दिया, अभी इस पर ध्यान नहीं दिया इतना, अभी यहाँ से निकलते हैं अपन जल्दी। एंड मेरे को पता है भाई यहाँ पे एक कार खड़ी रहती है, ये रही यार, मेरे को नहीं पता भाई किसकी कार है, पर कोई ना कोई बंदा हमेशा एक कार खड़ी करके जाता है, जिसको लेकर जाते हैं यार अपन, है ना। वैसे ब्रो यार मैं चोर हूँ, बट मैं ऐसे चुराता नहीं हूँ किसी की कार से ना भाई। लेकिन अभी जल्दी जाना है अपने को, क्योंकि लेस्टर भैया ने अपने को बुलाया है, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ उसकी कार को। एंड एक तो ना यार लेस्टर जो है भाई फोन पे कुछ भी नहीं बोलता, सीधा बोल देता है बस कि फ्रैंकलिन घर पे आ जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है यार। ये क्या मतलब हुआ यार ये, मतलब मैं बैठा हूँ गांव में, ठीक है, विलेज में, ट्रेवर के घर पर सीधे बुला रहा है, कुछ बताता भी नहीं है ब्रो किस बारे में बात करेगा। एंड अब मेरे को नहीं पता कि क्यों बुला रहा है, लेकिन शायद माफिया से रिलेटेड ही कुछ होगा यार, बिकॉज अभी ट्रेंड में माफिया चल रहा है भाई, ठीक है ना, दो तीन दिनों से। और जा रहे गार्ड, आज टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, तेरे से बातें करने का, बकवास आगे खड़ा है यहाँ पे। लेकिन चलो यार एक बात तो अच्छी है भाई कि जो लेस्टर का घर है ना वो बहुत पास में है एयरपोर्ट से, तो अपने को टाइम नहीं लगेगा इतना। एंड बस आज लेस्टर अपने को लोकेशन बता दे भाई माफिया की, कि माफिया यहाँ पे, अगर उसने बता दिया ना ब्रो, माफिया तो गियो यार, बोल रहा हूँ ना मैं तुमको, माफिया नहीं बचेगा आज मेरे हाथों से यार।
एंड एक बात और है यार कि तुम में से काफी लोगों ने कल कमेंट करा था कि भाई अपने पार्ट या उसको रिपेयर करवा दो रिपेयर करवा दो रिपेयर करवा दो, लेकिन ब्रो यार मैं तुमको बता दूं कि रिपेयर नहीं हो सकता है ना। मैंने बात करी यार, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं इतना ज्यादा फूट गया है ना वो, उसकी कॉस्ट वो बहुत ज्यादा बता रहे हैं भाई। वो बोल रहे हैं कि $15 million लगेंगे रिपेयर कराने में, एंड भाई अपन ने 20 में खरीदा है वो, तो मैं सोच रहा हूँ ब्रो यार वो सही नहीं है उसको रिपेयर कराने, तो अपन उसको रहने देते हैं ऐसे ही है ना, उसकी जगह अपन नया खरीद लेंगे कोई सा, बिकॉज ब्रो यार बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है अपने को। एंड अभी अपन आ चुके हैं भाई लेस्टर के घर पर, चलते हैं अभी अपन अंदर। एंड मैं बस अभी उम्मीद कर रहा हूँ कि लेस्टर अपने को लोकेशन दे दे माफिया के, मजे आ जाए। अरे मेरे को बुलाया, खुद कहाँ चला गया यार, ये पीछे तो नहीं यार, ये डरा दिया इसने मेरे को, ऐसे कैसे खड़ा रहता यार ये आदमी। तो अरे लेस्टर भैया यार अब काम की बात बताओ कि कहाँ पर है माफिया, प्लीज उसकी लोकेशन पता है ना आपको? ओके ब्रो, तो लेस्टर से पूरी बात हो गई, लेस्टर ने अपने को एक बहुत ही तगड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है ना। वो इन्फॉर्मेशन है भाई माफिया के बारे में, है ना। इसने अपने को बताया कि इसको माफिया की लोकेशन पता है, बट इसको किसी बंदे ने फोन करके बताया है, एंड वो बंदा है भाई बुल्ला का दोस्त, है ना। तुम्हें पता हो तो भाई बुल्ला की बहुत पहुंच है लिबर्टी सिटी में, है ना। तो उसके दोस्तों ने यार भाई लेस्टर को कॉल करके बताया कि जो माफिया वो लिबर्टी सिटी गया हुआ है। एंड मैं सोच तो रहा था भाई कि माफिया के पास ज्यादा जगह तो है नहीं जाने के लिए यार, वो लिबर्टी सिटी गया होगा। एंड हाँ भाई, माफिया है लिबर्टी सिटी में, ठीक है। अभी अपन जा रहे हैं हाथाऊद भाई लिबर्टी सिटी, मैंने तैयारी पूरी कर रखी है, मेरे पास सारी बुलेट्स वगैरह सब कुछ है ना, अपने को खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है, अपने को बस जल्दी से जल्दी पहुंचना है लिबर्टी सिटी। एक तो यार ये बात अगर लेस्टर बोल देता फोन पर ही, तो मैं घर तक आता ही नहीं ना अब यार, अब मैं वापस एयरपोर्ट जाऊंगा यार, ये क्या करे भाई, छोड़ो यार छोड़ो भाई। अब लेस्टर भी बड़े आदमी है तो कोई बात नहीं, इग्नोर मारते हैं उनकी गलतियों पर, है ना। एंड यार एक दिक्कत वाली बात यह है कि लिबर्टी सिटी में मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, एंड मेरे को एक्जैक्टली उसका मैप वगैरह अच्छे से पता नहीं है यार, बिकॉज मैं कभी गया नहीं हूँ आज से पहले लिबर्टी सिटी, तो मेरे को नहीं पता भाई कि माफिया कहाँ पे होगा, क्या पता उसकी कितनी गैंग होगी। बट भाई कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, एक प्रो इज ऑलवेज ए प्रो, ठीक है, तुम समझ रहे हो उस बात को। तो यही सोच के बस मैं जा रहा हूँ, एंड आई होप दैट मैं जिंदा आ जाऊँ वापस, है ना यार, डर तो लग रहा है वैसे, कर कोई बात नहीं। लेकिन एंड मैं तुमको एक बात और बताता हूँ, वो भी है ना कि जो माफिया है ना भाई, उसने उसका फोन को पता नहीं किस तरह कर रखा है कि लेस्टर ब्रो भी उसको हैक नहीं कर पाया, तुम समझ रहे हो ब्रो। ये माफिया ना बड़ा आदमी तो है यार, ये बात है, कुछ चीजें ऐसी कर देता है ना भाई जो कि आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है ना। एंड जल्दी से अपन अभी अपने प्राइवेट जेट को निकालता है ना, यहाँ पर ही छोड़ के गया था मैं। ओके ये रहा भाई, क्या बात है, सीधा खड़ा कर दिया यार, बहुत सही यार, लॉस सेंटर्स के लगता है भाई एयरपोर्ट की सर्विसेज सही हो गई है। अभी बैठते हैं अपन इसमें, है ना, वापस से। आज तो भाई जेट तो बहुत काम आ रहा है यार। ओके ब्रो देख रहे हो क्या दिख रहा है यार, एंड दिखते दिखते चक्कर में, अरे नीचे मत आ यार, वापस रनवे पर चल ब्रो, क्या कर रहा है। एक काम करते हैं ऐसे टेक ऑफ कर लेते हैं अपन, आई मैं पीरो यार, बोला है मैंने तुमको, है ना। तो अभी अपन जा रहे हैं भाई लिबर्टी सिटी, जिंदगी में पहली बार जा रहा हूँ मैं, एंड मैंने सोचा था कि यार अपन जाएंगे लिबर्टी सिटी, मस्त टूर वगैरह पर जाएंगे, घूम के आएंगे, बट अपन जा किस काम से रहे, माफिया को मारने के लिए। बहुत सही यार, एंड सोचने को तो मैंने एक चीज़ और सोची हुई थी कि अपन मस्त प्राइवेट जेट को उड़ा के ले जाएंगे भाई वेकेशन के लिए, एंड कल से बेचारा उठ रहा है इधर उधर भागने के लिए, है ना। किस्मत ही खराब है यार, ये माफिया ने ना पूरी जिंदगी के बैंड बजा दिए भगाते भगाते। बट कोई नहीं ब्रो यार, माफिया की वजह से आज अपन घूम के आएंगे लिबर्टी सिटी में, ठीक है ना। ऑल दो केवल एक दिन का टूर है, एंड बाय टूर भी ऐसा है कि जाने का तो पता है, आने का वापस पता नहीं है कि अभी पाऊंगा क्या वापस, है ना। ओके यार, तो मैं तुमसे सीधे मिलता हूँ लिबर्टी सिटी पहुंच के, है ना, बिकॉज अभी बहुत टाइम लगेगा अपने को, काफी दूर है यहाँ से लिबर्टी सिटी, ठीक है। तो मैं सीधे तुमको मिलता हूँ लिबर्टी सिटी पहुंच के। ओके भाई, तो ये देख रहे हो अपन पहुंच चुके हैं लिबर्टी सिटी में, है ना। तो ब्रो ये है लिबर्टी सिटी, एंड मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे यार, ये भी कम नहीं है ब्रो, बिल्कुल न्यूयॉर्क का फील दे रही है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वाह क्या बात है। एंड ये देखो ब्रो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तुम देख रहे हो साइड में, हाथ ऊपर करके, ये हुई बात, बहुत सही यार। अपन आए भले मिशन पे, लेकिन मजे पूरे लेंगे यार, बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम समझ रहे हो ना यार। क्या बात है भाई, क्या सिटी है यार, एंड अपन क्या नजारा आ रहा है अपने जेट का ब्रो, बहुत सही। ओके तो शायद इसका एयरपोर्ट आ चुका है, तुम सामने देख रहे हो, तो हाँ यार ये इसका एयरपोर्ट है, अपने को साइड में लेना पड़ेगा जेट को, एंड देन लैंड करवाना पड़ेगा। अभी देखना तुम लैंडिंग प्रॉपर, इसको बोलते हैं भाई असली लैंडिंग, ठीक है ना। जो लोग पूरे रनवे से भगा के आते हैं प्लेन को, वो नूब है भाई, वो कोई लैंडिंग नहीं होती है, प्रॉपर लैंडिंग उसको बोलते हैं, आधे रनवे पर लैंड कराओ अपने प्लेन को, ठीक है ना, वही होता है असली पिरो की पहचान। ओके अपन एक काम करते हैं, अपने जेट को यहाँ पर पार्क कर देते हैं। ओके तो मैंने यहाँ पर प्लेन को पार्क कर दिया, ठीक है ना, एंड मेरे हिसाब से तो भाई आने जाने का रास्ता था, अब कोई बात नहीं भाई, कर दिया तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना, अपन ध्यान नहीं देंगे, सब निकल जाते हैं। एंड यहाँ से अपन किसी की गाड़ी चुरा के निकलते हैं यार, किसके चुराए, ये वाली तो अच्छी नहीं लग रही। ओके तो अपनी ब्लैक कलर की एसयूवी चुराते हैं, ठीक है ना भाई, माफिया को मारने आए तो माफिया की जैसी कार में बैठ के मारेंगे, ठीक है। खैर कोई नहीं, अभी अपन यहाँ से बाहर निकलते हैं, इस रास्ते तो जा नहीं पाएंगे ब्रो, अपन ने ब्लॉक कर दिया ये वाला रास्ता था, है ना, कोई और रास्ता पकड़ के चलते हैं अपन। ओके
इधर से जाए यार, इधर से जाओ क्या, एक तो मेरे को पता भी नहीं है ब्रो रास्ते कहाँ पर जा रहे हैं इधर। एंड ओहो ये देख रहे हो भाई तुम, ये है माफिया का प्लेन यार, ये वाला ही तो है शायद, रेड एंड व्हाइट कलर का, मेरे को अच्छे से याद है भाई, ये वाला प्लेन ही है माफिया का। इसका मतलब तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, ठीक है ना बुल्ला के दोस्तों की, यहाँ पर ही आया हुआ है माफिया, इसको तो ढूंढना पड़ेगा आज अपने को, है ना। अभी मैंने लेस्टर को बोल के आया था मैं कि लेस्टर को जैसे ही पता लगेगा ना ब्रो उसके बारे में अपने को लोकेशन सेंड कर देगा वो, बट ब्रो फाइनली पता लग चुका है कि माफिया यहाँ पर ही है। तो अब मैं चाहूँ तो इसके जेट को फोड़ सकते हो यहाँ पर ही बॉम्ब लगा करके, बट उसमें दिक्कत ये हो जाएगी यार कि पुलिस जो है अपने पीछे पड़ जाएगी एंड अपने को हो सकता है यहाँ से निकलना पड़े लिबर्टी सिटी से, बिकॉज ब्रो अपन जानते नहीं है किसी को भी, है ना। तो अपन ज्यादा नाटक नहीं करेंगे यहाँ पर, अपन आए हैं बस सीधे माफिया को मारने वो करके चले जाएंगे अपने यहाँ से, है ना, अच्छे बच्चों की तरह। ओके इधर उधर भटकना नहीं है अपने को अपने मिशन से। तो भाई ये तो पक्का हो गया कि माफिया यहाँ पर ही है। एंड क्या बात है ब्रो यार, बहुत सही, कितना खुला खुला है लिबर्टी सिटी यार, मेरे को तो काफी बढ़िया लग रहा है ये। एंड सही है भाई, काफी भीड़ भी है यहाँ पर, बहुत बढ़िया सर। अरे यार टैक्सी तो सेम चलती है बिल्कुल लॉस सेंटर जैसी यहाँ पे, है ना, बहुत सही यार। ओके तो अभी तक अपने को लेस्टर ने भेजी नहीं है लोकेशन, है ना, तो जब तक अपन एक काम करते हैं यहाँ पे घूमते हैं, ठीक है ना, मजे करते हैं ब्रो। क्या बात है, कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर यार, इतनी तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी भाई, इतनी तो लॉस सेंटर्स में भी नहीं होती है यार, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं शायद यहाँ पर। मतलब ब्रो मैं लिटरली अभी चलाना चालू करा, तुम देख रहे हो भाई ठोक ठोक के क्या हालत कर दी है गाड़ी की यार, बड़े अजीब लोग हैं यहाँ पर, पता नहीं कि क्या रूल है भाई चलाने का यहाँ पर। एंड ये देखो क्या ब्रिज है यार, ये शायद मेरे को ऐसा लग रहा है इन लोगों ने जो न्यूयॉर्क में होता है ना शायद गोल्डन ब्रिज वो वाला है शायद, ये मेरे को नहीं पता यार एग्जैक्टली। खैर कोई नहीं, अपन जाते हैं सामने की तरफ, बिल्डिंग देख रहे हो भाई क्या नजारा है यार, मेरे को तो बहुत सी लग रही है लिबर्टी सिटी अभी तक, है ना, मैं पहली बार आया हूँ ब्रो यहाँ पर यार। एंड सच बताऊं तो लिबर्टी सिटी भाई मेरे को तो ज्यादा पैसा लग रहा है यहाँ पे यार, लॉस सेंटोस से भी लोग। ओके तो फाइनली लेस्टर ने अपने को माफिया की लोकेशन भेज दी है, एंड जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो भाई पास में ही है वो। एंड भाई ये क्या तरीका है यार, किसी को जाने के लिए लेन ही नहीं है यहाँ पर, सब लोग रास्ते में एक तरफ आते आते हैं बस, जाएगा कैसे भाई कोई आदमी यार। भाई तुम देख रहे हो कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे यार, भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक है लिबर्टी सिटी में यार, मेरे को नहीं पता था इतने ज्यादा लोग रहते हैं यहाँ पर। खैर कोई नहीं, अभी अपने को जाना है लोकेशन पे जो लेस्टर ने अपने को भेजी है ना। ओके तो फाइनली अपन आ गए भाई उस लोकेशन पे जो अपने को लेस्टर ने भेजी थी। एंड यहाँ पे तो भाई कुछ अलग ही सीन चल रहा है, तो काम करते हैं अपन इस साइड से चलते हैं, ठीक है ना, गाड़ी को मैं पार्क कर देता हूँ मैं इस तरफ से, बिकॉज ब्रो मेरे को माफिया के जो गार्ड है ना वो दिखे हैं अभी यहाँ से, इधर मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, धीरे धीरे चलते हैं अभी अपन, क्योंकि भाई मेरे को माफिया के गार्ड दिखे हैं, शायद वही लोग हैं ये, इधर से चलते हैं अपन। ये देख रहे हो भाई तुम, ये तो यार माफिया के बंदे हैं सारे के सारे, कर क्या रहे हैं इधर, एक काम करते हैं अपन कवर लेते हैं। एंड मैं क्या निकालूं भाई, अपने पास मैंने बायनोकुलर्स है ही नहीं यार, मतलब इतनी गरीबी क्यों है मेरी जिंदगी में यार, हर बार मेरे को स्कोप लगा के देखना पड़ता है। खैर कोई नहीं, अभी देखते हैं अभी अपन इन लोगों को, है ना। ये देखो भाई दो गार्ड इधर है, एंड ये सारी ब्लैक कलर की एसयूवी है ना, मन तो ऐसा कर रहा है सबके खोपड़े में भी ठोक दूं मैं सब, है ना, लेकिन भाई ये ब्लैक कलर की एसयूवी है। ओके एंड ये रेड कलर तो क्या चीज है भाई, ये बंदा है ये क्या, ये पैसे है भाई इतने ज्यादा, एंड ये विंटेज कार में माफिया, अभी मैं चाहूँ तो इसके उड़ा सकता हूँ ठीक है डायरेक्ट, बट ये काम भाई कायरो का होता है, अपन इसको बेसबॉल बैट से मारेंगे, एक सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद में, एक लंच में, एक डिनर में, तीनों टाइम्स के खोपड़े पे बेसबॉल को बैट ही धरूंगा, अभी नहीं मारूंगा मैं इसको ठीक है। अभी अपने को देखना ये है, बट ब्रो यार ये डील किसके साथ में कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तुम देख रहे हो इतने ज्यादा पैसे वगैरह पड़े हैं भाई, एंड इस आदमी के ऊपर एम भी करके बैठे हैं, ये कोई ना कोई बंदा है शायद इसका डील कर रहा है माफिया। एंड इसकी गाड़ी बहुत ज्यादा है ब्रो यहाँ पर यार, एक सारी एसयूवी है, एक काम करते हैं अभी अपन ड्रोन उड़ा के अच्छे से देखते हैं सब, है ना भाई क्या चल रहा है ये। तो यहाँ से देख रहे हो भाई कितने लोग हैं यार, चारों तरफ से घेर रखा है माफिया को, एंड माफिया आया हुआ है भाई विंटेज कार में, मतलब यहाँ पर भी इसके शौक कम नहीं हुए, तुम देख रहे हो एक तो फट्टू वहां से भाग गया, यहाँ पे विंटेज कार में बैठा है भाई यार ये, एंड इतने ज्यादा गार्ड है, अपने को बहुत ढंग से काम करना होगा यहाँ पर, है ना। एंड मेरे को एग्जैक्टली तो पता नहीं है आदमी कौन है, मैंने कभी देखा नहीं है इसको, बट उससे अपने को मतलब भी नहीं है, बिकॉज अभी अपन माफिया को मारने वाले, पहले तो उस माफिया को बेहोश करके अपने प्राइवेट जेट में डालूंगा, एंड देन इसको लेकर जाऊंगा लॉस सेंटोस, और वहां पर पिटाई चालू करेंगे इसकी, है ना, इसको टॉर्चर करेंगे उसी तरह से जैसे इसके मिस्टर के को कराया ना अपन ने, सेम वैसे, बट उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ उनको मारना। ओके ओके उसकी बारा पता लग गया यार, इन सबको मारो भाई, उसकी बारा मारने लग गया यार, ये लोग खतरनाक सिक्योरिटी है यार माफिया की, ये बात तो है, इतने ज्यादा लोग हैं, एक तो ये उड़ा दूंगा सबको, मारूंगा पहले तो इन सबको मैं। ओके एंड तुम देख रहे हो भाई माफिया भाग रहा है यहाँ से, एक बार इसको मार देता हूँ मैं यहाँ पर, एंड माफिया को पकड़ने जाते हैं अभी के अभी अपन, चल 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 फ्रैंकलिन चल भाग यहाँ से, शिट यार माफिया निकल गया, जल्दी से मेरे को कोई ना कोई गाड़ी लेनी पड़ेगी इधर से, अभी लेता हूँ यहाँ से भाई, माफिया नहीं जाना चाहिए आज से बस, आज कैसे भी करके यार, ये फट्टू भागने में बहुत आगे रहता है हमेशा, है ना। ओके ये देख रहे हो तुम भाई माफिया सामने जा रहा है अपने, इसको ठोकना पड़ेगा पहले तो, उसको रोकते हैं अभी अपन, ए माफिया भागना नहीं है तेरे को, समझ आए ना, इसे गाड़ी फोड़ता हूँ मैं। अरे यार अरे तुम मत मारो मेरे को भाई, क्या चल रहा है मजाक यार, सभी उड़ा रहे हैं मेरे को,
किधर भाग रहा है यार, वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है अभी अपने से। गोलियां मारता हूँ उसको अभी के अभी। भाई मर मर मर, किधर भागेगा? रुक रुक, रुकना तो पड़ेगा माफिया तेरे को आज। अरे साहब कितनी फर्जी गाड़ी है मेरे पास यार ये। नहीं 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 नहीं, भागना नहीं चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं, इसको पकड़ना पड़ेगा जल्दी से। किधर चला गया भाई? बहुत तेज भगा रहा है गाड़ी को यार, दिख भी नहीं रहा लिटरली, वो जा रहा है आगे से। ओके आराम से, एक तो मेरे पास एसयूवी है, फर्जी भागती भी नहीं है ये रहा माफिया। रुक जा, बारह माफिया है, रुक जा, सच बता रहा हूँ, मार दूंगा यहाँ पर ये भी। अरे यार ये लोग क्या मिले हुए इसके साथ में भाई, आप चला के सामने आके रुकते हैं यार। किधर है, किधर है यार, मेरे को दिख नहीं रहा है वो, शायद वो रहा सामने की तरफ जा रहा है। अरे माफिया रुक जा, देख सीधा टक्कर मारता हूँ उसको पीछे से। ये ले भाई, मेरी गाड़ी पलट गई यार। शिट, नहीं नहीं नहीं, सीधी हो जल्दी से यार। तुम देख रहे हो भाई, माफिया की गाड़ी को कुछ भी नहीं हो रहा है लिटरली यार। तुम लोग मेरे को क्यों मार रहे हो? मर इधर, इधर भाग रहा है यार ये भाई। तो ज्यादा ट्रैफिक है ना, इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ ढंग से मैं। अगर मेरे को पूरी सड़क खाली मिल जाती तो मैं पकड़ भी लेता शायद। भाई क्या भगा रहा है तो यार, ये गाड़ी बहुत भयंकर। मैं इसी गाड़ी में इतनी गोली मार रहा हूँ ब्रो, कुछ भी नहीं हो रहा इसी गाड़ी को लिटरली यार। शायद इसी कार जो है पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ है, एंड सेम शायद मेरे साथ भी हो रहा है ये यार। भाई कितने आसानी से इतनी बड़ी एसयूवी को धक्का दे रहा है ब्रो। भाई तो ट्रैफिक इतना ज्यादा है ना इस सिटी में यार, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ओके एक काम करता हूँ, अभी रोकता हूँ उसको मैं यहाँ पर ही, है ना। रुक 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 रुक, किधर भाग रहा है? रुक रुक रुक, इधर ही रोकते हैं अभी अपने इसको। माफिया रुक जा, देख। ओके अभी निकालता हूँ उसको मैं अंदर से। ओए रुक जा माफिया, रुक रुक रुक। अरे नहीं यार, भाग गया वापस यार। सच बता रहा हूँ, पूरी लिबर्टी सिटी घुमा दी है ये बुड्ढा है, उसके बाद भी इतने अच्छे से गाड़ी कैसे चला रहा है यार, कोई ये पता है मेरे को एक बार। इधर चला गया अभी अचानक से, यही तो था, पता नहीं कहाँ पर जा रहा है। इस बार तो पकड़ के छोड़ूंगा ब्रो, अब तो फंस गया तो भाई कहाँ जाएगा। ओए नहीं, उसके बाहर पानी में चला गया। रुको मैं भी जाता हूँ अभी। किधर है, किधर है? रुको भाई, दिख नहीं रहा यार वो किधर गया बंदा। ये नहीं उसकी कार, शायद मर गया होगा ब्रो। मर जाएगा तो मजा आ जाएगा ना, सच बता रहा हूँ। बिकॉज मेरे को नहीं लगता भाई वो माफिया इतना जल्दी तैर पाएगा यहाँ से, है ना। एक बार मैं ऊपर जाता हूँ नहीं तो मैं मर जाऊंगा भाई अंदर ही रहते रहते। एंड अभी तो किधर जाएगा भाई इधर से निकल के तो। ओके ओके ब्रो, उसकी गाड़ी किधर है? ये नहीं उसकी कार। एंड ब्रो माफिया किधर है इसमें से यार? भाई किधर गया वो? और नीचे है क्या भाई? यार ये तो बहुत ही ज्यादा गहरा पानी है नीचे की तरफ, एंड माफिया अभी अपने को दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। गाड़ी में तो है नहीं, पता नहीं किधर चला गया यार। और तो कहीं नीचे नहीं है ना? देखो यार ज्यादा नीचे मैं भी नहीं जा सकता, बिकॉज यार फ्रैंकली में ना एक लिमिट तक सांस ले सकता है, ज्यादा नीचे जाएंगे तो ब्रो अपन भी मर सकते हैं यहाँ पे। नीचे मैं देख लेता हूँ, ऑल्दो क्या पता वो मर के नीचे चला गया हो, मेरे को नीचे नहीं दिख रहा है ब्रो यार वो। इससे ज्यादा नीचे मैं नहीं जा सकता। और ठीक है भाई, माफिया किधर गया यार, समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो कहीं भी। अभी तो गिरा था अपने सामने ही तो अंदर यार। भाई मेरे हिसाब से तो मर गया है, ठीक है, अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो मर चुका है वो। तो काम करता हूँ मैं लेस्टर को बोल देता हूँ कि लेस्टर भैया माफिया की बॉडी नहीं मिली है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो मर गया है, ठीक है ना। बात करते हैं लेस्टर से अपन। तो अभी मैंने लेस्टर से बात करी है, ठीक है, वो भी यही बोल रहा है कि हो सकता है मर गया हो, लेकिन यार माफिया का पता नहीं ब्रो। ऑन के यार बॉडी शॉट से भी नहीं मरा ये, तो मेरे को तो यार थोड़ा डाउट तो है कि ये पानी में गिरने से तो नहीं मरना चाहिए यार। Because bro, यदि कोई बंदा ओम के बॉडी शॉट से नहीं मरता है, मतलब ओम यार मजाक नहीं है भाई, इतनी तगड़ी स्नाइपर है, उसके बॉडी शॉट से नहीं मरा है वो बिना कोई आर्मर वगैरह के, तो पानी में हो सकता है नहीं मरा हो, बट मेरे को लग रहा है भाई मर गया है, कुछ पता नहीं यार। अपन ने काफी ट्राई करा ढूंढने का, ठीक है ना। तो ब्रो अभी तो अपन यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है ना, इससे पहले कि यहाँ पे पुलिस वगैरह को पता लगे एंड वो अपने पीछे आए कि भाई यहाँ पे किसी का मर्डर हो गया, ठीक है ना। बिकॉज ब्रो लिबर्टी सिटी में यदि अपने को पुलिस ने पकड़ लिया ना तो कोई बचाने भी नहीं आएगा यार, एंड आएगा तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, तो अपने को यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है जल्दी से। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने प्राइवेट जेट की तरफ, ठीक है ना। अभी अपन निकल जाएंगे ऐसे लॉस एंजेलिस की तरफ। माफिया का जहाँ तक मेरे को तो लग रहा है मर गया है, लेकिन पता नहीं लग रहा है नहीं मरा है यार। तो तुम लोग कमेंट्स में को जरूर बताओ कि भाई माफिया मर गया होगा क्या। तो आज का बस इतना ही वीडियो था, ठीक है। आई होप दैट तुमको मजा आया उसमें देखने में, ठीक है यार, बिकॉज मेरे को तो बहुत ही मजा आया, ठीक है ना, लिबर्टी सिटी घूमे आज। तो बस यार आज की वीडियो को खत्म करते हैं, आई होप दैट यू लाइक इट। कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें क्या लगता है कि भाई माफिया मरा है नहीं मरा, ठीक है ना। एंड इंस्टा पे मेरे को फॉलो करो, बिकॉज भाई क्यूएनए का वीडियो आ चुका है, ठीक है ना। खत्म करते हैं इसको, #game।